ذرا آنٹی بھی حاضر ہی ہوئی. सब देख रहे رے بھائی یہ ویڈیو ڈالنا پڑے گا آج. صحیح جام میں پھنسا ہوں یار آج تو. میرے بنی کو دیکھ رہے آج تو سارے لوگ. دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گاڑیوں میں بیٹھے ہیں اس لیے لگ رہا ہے مجھے بھیڑ بھی ہے زیادہ. سب میرے کو دیکھ رہے
इसका व्हील चेक करने भाई दोनों, व्हील चेक करने इसके दोनों। हाँ व्हील बैलेंस करने, हाँ थोड़ा सा जब चलाते हैं तो थोड़ी सी साइड को जा रही है, हल्की सी हो जाएगा भाई व्हील बैलेंस ध्यान होगा कि टुगल पर आ रहा है। हैं टुगल पर आदेश कहां होएगा टुगल पर, टुगल पर परिचो इनका। हां कार का बैलेंस हमारा बड़ा वाला बैलेंस। अच्छा मैं समझा इसका हो जाएगा, अभी ये खोल के नहीं हो जाता टायर का बैलेंस अलाइनमेंट। मैं मान रहा हूं छोटी मशीन हो गए, मेरा बैलेंसर बड़ा है गाड़ी का मतलब का। कल करवा के ना लेके गए मैं i20 का, i20 का कल करवा के लेके गया ना कल। तो मैंने तुम्हारे पास गाड़ी ली हो। हाँ मैंने यही समझा मैंने कि इससे कर देगा, इसका भी हो जाएगा। इसका छोटा बैलेंस है तो कल पर। एक टायर यार साइड पे जा रहा थोड़ा सा, थोड़ा भी ना जा रहा मतलब कि ज्यादा भी ना, बहुत थोड़ा सा मामूली सा, जब तेज चलाते तो जा रहा साइड में हल्का सा, इस वजह से मैं बोला नहीं तो फिर ये जाएगी फिर एजेंसी पर जाएगी। एजेंसी पे फिर दिल्ली जाएगी है ना ना एजेंसिया की, एजेंसी यहाँ पे है ना कि कैमरा लग रहे है दोनों। हाँ हाँ ये सब्सक्राइब करो कल मिल आ जाओगे इस पे। ये तो महंगी पड़ी चार, मैं कल वो ना लेकर आया मैं i20। हाँ ऐसे ही ले रखे शौक के लिए, राइडर राइडर लिख रखा ना यार मोटर राइडर। स्टार यूट्यूब दोनों चैनल है, इस पर सब्सक्राइब करो हमें भी। अभी नया चैनल स्टार्ट किया ना हमने, आशु राइडर है, बहुत राइडर है। हाँ बहुत है चलूं तो यार वहीं जाएंगे फिर। किया नहीं मिला, मिल गया उस पे मिल जाएगा ना यार मोटो राइडर है। यूट्यूब पे मारो, इंस्टाग्राम पे ना, इंस्टा पे भी है, यूट्यूब पे मार दो ना। यूट्यूब पे पहले मार दोगे ना फिर इंस्टा की वीडियो ऑटोमेटिक दिखाई दे जाएंगी। कैसे हैंग सा हो रहा है, क्रोम खोल दिया तुमने? हैं क्रोम खोल दिया? क्रोम ना खोला, ये ना मिस्टर मोटर राइडर ये बोल रहे, ये बोल रहे। ओके जी अब देख लेंगे हम। इंस्टा पे भी यही है, इंस्टा पे भी आदित्य राज या इसके नाम से मिल जाएगा। अभी नहीं हुआ ना, 15 दिन हुए अभी, 10-12 दिन ही हुए।
वीडियो मिले कि नहीं। अब सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सुप्रभात, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। और अभी हम आए हैं आज राइडिंग के लिए, और राइडिंग के लिए हम जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे। और ये है हमारा गोल चक्कर यमुना एक्सप्रेसवे का, और यहाँ से हम जाएंगे आज जेवर की तरफ। तो पहले गए थे हम नोएडा की तरफ, आज हम जेवर की तरफ जाएंगे। अब ये यमुना एक्सप्रेसवे है ऊपर, लेकिन कट आगे है, काफी आगे है, वहां से चढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आपको शेयर कराते हैं हम कहाँ के जेवर की, जेवर दिखाएंगे आज हम आपको। जेवर बहुत प्यारा बन रहा है अभी, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है ये जेवर का। और जेवर से हम पहले पड़ जाते हैं, तो हमें उधर साइड में जाना पड़ेगा। तो ये सब धनकौर का एरिया है, धनकौर जहाँ पर स्पोर्ट सिटी है, आपने सुना होगा मोटो जीपी जो हुआ था नोएडा में। इंडिया में पहली बार मोटो जीपी रेस जो हुई थी वो यही हुई थी, यही है। ये नोएडा नहीं है, ग्रेटर नोएडा में आता है और यही हुई थी। तो ये देख लीजिए उस टाइम की लाइट है, चका चाँद है। अभी कुछ खराब हो गए, कुछ निकल गई हैं, कुछ तोड़ दी हैं, किसी ने खराब हो गई है। क्योंकि उस टाइम पे जब लाइट लगाई थी तो नज़ारा ही कुछ और लगता है। स्पोर्ट सिटी अंदर जाने का रास्ता है, और अभी हम चल रहे हैं बस कट पर पहुंचने वाले हैं। साउंड ज़्यादा आवाज़ कम आ रही होगी हमारी, देखो अब हम यहीं से चलेंगे ऊपर यमुना एक्सप्रेस वे पर, जिसको बोलते हैं आगरा हाईवे। यहाँ पर तो हमसे टोल नहीं लिया जाता है, हो सकता है जेवर में ले लें, वैसे जेवर में भी नहीं लेंगे क्योंकि जेवर तक तो लोकल फ्री है। जेवर तक लोकल फ्री है तो इसलिए वहाँ भी नहीं लगना चाहिए, वैसे ले लेते हैं। ये आ गया अपना यमुना एक्सप्रेस वे। अभी हम यहाँ से थोड़ा स्लो ही चलेंगे क्योंकि कुछ राइडरों का इंतज़ार है हमको। देखो ट्रैक्टर जा रहा है, कोई नया ट्रैक्टर लाया है। न्यू हॉलैंड ही होगा, एक फिर शोरूम में जा रहा है कहीं पे, उसी में जा रहा है। कैसे दिखा दिया, थोड़ा तेल कम हो गया है, कोई बात नहीं। तेल का भी देखा जाएगा। हमारा गोल तो चल रहा है, और हम अभी हम एक्सप्रेस वे पर हैं, और यहाँ से जेवर की दूरी होगी लगभग लग रही है। ठंडी पूरी तरह से लग रही है दोस्तों, तो देख रहे हैं। स्पोर्ट सिटी है जेपी, ग्रीन सिटी है यहीं पर, ये धनकौर के जस्ट बगल में आता है यहाँ पर। और ये भाई लोग हैं मुंबई के, इनके पास लग रहा है इधर की एरिया की जो
360 लगा नहीं है, 360 में कुछ कमियाँ आ गई है, पिन नहीं लगी है तो इस वजह से। और हाँ तेल की कमी हो गई है, तो तेल हम डलवाएंगे आज केवर में। पेट्रोल पंप तो है वैसे यहाँ पर नज़दीक ही है कहीं, बैलेंस कैसा है अभी? ठीक है बैलेंस यार, पहले हवा कम थी यार, अभी हम जेवर की तरफ चल रहे हैं दोस्तों।
अरे उधर ही तो खड़ा था मैं अभी कब से। इधर से ही निकलना तो यार मैं। एक तो मैं स्टाफ से हूँ बीएसएफ से हूँ, दूसरा मैं रामनेर का हूँ, मैं लोकल हूँ यहाँ का। यार तुम्हारे कार्ड के चक्कर में पहले 18,000 रुपये घड़ी गिर गई थी यहीं पे, ऐसे ग्लिप से निकालते हैं। तुम गाड़ी का नंबर नहीं दिखाई देता यार। बारिश हो रही, पीछे भीग और गया यार। पीछे बारिश हो रही है बहुत तेज, भीग गया पूरा मोबाइल, सारे भीग गए। यहाँ से ऐसा होगा कोई 5-6 किलोमीटर आगे। अरे भैया पेट्रोल पंप किधर है? पेट्रोल पंप इधर है, अंदर है, इधर है, आगे आगे है। अंकल पेट्रोल पंप है इधर कहीं?
भैया पेट्रोल पंप किधर है? पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप। हाँ चक्कर है, झंडी दिखाई दे रही है। हाँ है इधर राइट लेफ्ट साइड में है। पेट्रोल है ना?